दोस्तों, खबर आ रही है कि जीडीपी गिर चुकी है बहुत बुरी तरीके से। मैं तो कहती हूँ भाई, जीडीपी गिरे टूटे फूटे क्या ही फर्क पड़ता है। हम तो डोमिनोज में पिज्ज़ा खाने जाते थे, अभी भी डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने जाएंगे और एक्स्ट्रा टिप भी देकर आएंगे। बाकी रही रेट कम करवाने की, तो हम जो मेरे घर में आंटी आती है सब्जी बेचने, उनके साथ हम बार्गेनिंग करेंगे कि आंटी 20 रुपये की चीज़ जो है 15 रुपये लगाओ, 10 रुपये लगाओ। क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने में ही सारा मेहनत लगता है ना, सब्जी उगाने में मेहनत कहाँ ही लगती है, वो तो जो ही उग जाती है बीज बो दो। और पिज़्ज़ा बनाने में दुनिया भर की मेहनत लगती है, तो उनके वो जो है एक्स्ट्रा टिप डिज़र्व भी करते हैं। तो भाई, हम तो जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको देंगे ही देंगे, और जो डिज़र्व नहीं करते उनको बिल्कुल भी नहीं देंगे। और रही बात पेट्रोल के दाम बढ़ने की, तो जिनको सिग्नल पे गाड़ी चालू रखना है वो तो अभी भी रखेंगे, और जिनको बाइक रेसिंग करना है वो भी करेंगे ही। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से भी ज़्यादा कोई फर्क तो पड़ने वाला है। अब करते हैं बाकी खबरों की बात। अब देखो, जब YouTube वर्सेस TikTok हुआ था भाई, सारे यूट्यूबर्स ने तो अपना पावर दिखा ही दिया था। अब टिकटॉकर्स को तो मौका मिला ही नहीं था अपना पावर दिखाने का। अब जब उनको पावर मिल ही गया, जब TikTok बैन होने के बाद उनका डेटा पूरा बच ही गया था, तो उन्होंने भी अपना पावर दिखाई दिया, कर दिया मोदी जी की वीडियो को डिसलाइक और डिसलाइक से भर दिया। खैर ठीक है, सबको उनका मौका मिलना ही चाहिए। और भैया, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का लॉजिक तो मेरी समझ से बाहर है। पहले तो ये ज़बरदस्ती एग्ज़ाम दिलवाएंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट भी नहीं दिखाएंगे, ये इनका सही लॉजिक है। और ये जो कॉलेज के फाइनल ईयर वालों का एग्जाम फ्रॉम होम होने वाला है, अरे भाई पहले पता होता तो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले भी एग्ज़ाम दे देते, उनको कहीं कोई प्रमोशन दे दिया आपने। और अगर ऐसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे, फाइनल ईयर वालों को प्रमोशन दे देना था। खैर, ये दुनिया तो ऐसी थी और ऐसी ही रहेगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।